सुर्खियों में तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच भी रही। प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर से ही लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का स्कोरबोर्ड बता दिया। कह दिया कि बीजेपी अब की बार 370 पार और एनडीए 400 पार। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। इस बार धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मोदी ने कांग्रेस पर गिन गिन कर हमले किए, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक, और अब गांधी परिवार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा, जैसे परिवारवाद, कश्मीर, महंगाई, हिंदुस्तान की जनता को अपमानित करने, इन तमाम चीजों को लेकर सीधे हमले किए। पुरानी कांग्रेस सरकारों पर कई इल्जाम भी लगाए। प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा? कई दशकों तक कांग्रेस अब विपक्ष में ही बैठेगी, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा। मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी की सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं, इन्होंने देश के सामर्थ्य पर कभी भरोसा ही नहीं किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम उस परिवारवाद की चर्चा करते हैं जो परिवार पार्टी चलाता है। राजनाथ सिंह और अमित शाह इनकी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। किसी परिवार ने अपने बलबूते पर तरक्की की तो किसी ने अपनी काबिलियत पर, तो हम उसका विरोध करने लग जाते हैं। सोनिया गांधी के राज्यसभा से चुनाव लड़ने की खबर पर तंज भी कसा। मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा, कई लोग सीट बदलने की तैयारी में हैं और कुछ तो राज्यसभा भी जाने वाले हैं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर अटैक किया। लोकसभा में कहा, एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के चक्कर में दुकान में ताला लगने की नौबत आ गई है। आखिर में मोदी ने कहा कि उनके तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। पूरी स्पीच 1.5 घंटे से ज्यादा की थी, लेकिन नेहरू और वंशवाद के नाम पर उनके दो बयान खूब चर्चा में बने रहे। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अकल के लोग होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। इंदिरा जी ने जो लाल किले से 15 अगस्त को कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं। अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। पीएम मोदी का भाषण भले ही संसद में था, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे बीजेपी के चुनावी कैंपेन से जोड़कर देखने लगे हैं। कह रहे हैं, जनता के बीच मोदी अब इसी तेवर और कलेवर के साथ जाएंगे, एग्रेसिव अंदाज में गांधी परिवार को घेरेंगे। लेकिन राहुल गांधी भी रोजगार और महंगाई के इशू पर मोदी सरकार से कई सवाल पूछ रहे हैं। राहुल की न्याय यात्रा झारखंड में है। आज उन्होंने उन मजदूर भाइयों की फोटो पोस्ट की जो साइकिल पर 200 किलोमीटर दूर कोयला लेकर जाते हैं। रोज 30-40 किलोमीटर की यात्रा करते हैं वो। राहुल ने खुद साइकिल चलाने की कोशिश की और कहा, बिना इनके साथ चले, बिना इनके भार को महसूस किए, इनकी मुसीबतों को समझा नहीं जा सकता। राहुल अपने लेवल पर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें और कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह समझना होगा कि अभी तक इंडिया अलायंस जमीन पर उस तरह सक्रिय नहीं हुआ है जैसा शुरुआत में दिखा था।
कांग्रेस की रीजनल पार्टीज एक दूसरे को आंखों देखे सुहा नहीं रहे हैं। मनमाफिक सीट देने को तैयार नहीं है कांग्रेस उनको, यानी दिक्कतें खत्म नहीं हो रही। और ये सारे संकेत बीजेपी को चुनाव में फिलहाल फेवर करते हैं। बाकी आगे क्या होगा ये तो आप लोग यानी जनता ही तय करेगी ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।